भाई चुनाव की घोषणा के साथ ही टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस की टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे नेता अब दिल्ली कूच के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कई तरह के सर्वे करवाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। सर्वे के साथ साथ पार्टी और भी कई तरह की परीक्षा लेगी, जिसमें जातीय समीकरण अहम होंगे। सभी जातियों को साथ लेकर चलते हुए सोशल इंजीनियरिंग की पूरी कोशिश की जाएगी और तमाम पहलुओं के बाद टिकट का ऐलान होगा। ऐसे में हिसार जिले की बात की जाए तो जिले की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें हांसी हिसार सीट पर पंजाबी या बनियों को उतारे जाने की संभावना सबसे अधिक है, तो वहीं नानोन सीट से किसी जाट को लड़ाने की संभावना प्रबल है। उकलाना सीट आरक्षित वर्ग के लिए तय है। अब बात करते हैं बची हुई 3 सीटों की, नलवा, बरवाला, आदमपुर की। दरअसल साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जिले में 2 ओबीसी को टिकट दिया था, जिसमें हिसार से सैनिक समाज के रामनिवास राणा, बरवाला से कुम्हार समाज के भूपेंद्र गंगवा को टिकट मिली थी। पार्टी बरवाला में जाट प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है। ऐसा हुआ तो नलवा या आदमपुर में ओबीसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। दोनों में से किसी एक सीट पर युवा कांग्रेस कैंडिडेट को उतारने के कयास भी हैं। बता दें कि नलवा सीट पर कांग्रेस के 4 प्रमुख दावेदारों संपत सिंह, अनिल मान, चंद्र प्रकाश जांगड़ा व मनोज चाकमाही में से सिर्फ चंद्र प्रकाश जांगड़ा व मनोज चाकमाही ही ओबीसी चेहरे हैं। वहीं नलवा विधानसभा में कुम्हार समाज के 27,000 से अधिक वोट हैं। ऐसे में यहां युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मनोज चाकमाही यूथ कांग्रेस व कुम्हार समाज दोनों के बड़े चेहरे हैं, इसीलिए कांग्रेस उन्हें मैदान में उतारकर एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। नलवा में ओबीसी को उतारने के बाद बरवाला में जाट, आदमपुर में बिश्नोई, हिसार शहर में बनिए को उतारा जा सकता है। इस तरह के समीकरणों के जरिए कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर सकती है। बहरहाल मनोज चाकमाही के काम की बात की जाए तो वो पिछले 5 साल से 80% से अधिक नंबर लेने वाले नलवा विधानसभा के मेधावी विद्यार्थियों को उनके घर जाकर सम्मानित करने का अभियान चला रहे हैं और करीब 1,000 विद्यार्थियों को सम्मानित कर चुके हैं। मनोज चाकमाही ने साल 2018 में भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए तत्कालीन CM मनोहर लाल को काले झंडे दिखाए थे। उस वक्त उन्हें पुलिस के डंडे खाते हुए 3 दिन की जेल भी काटनी पड़ी थी, लेकिन इससे उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। मौजूदा चुनाव से पहले युवा प्रत्याशी मनोज टाक जिला परिषद के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया तो मनोज टाक ने अपनी माँ को चुनावी मैदान में उतारा और मनोज टाक की माँ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के परिवार को हरा कर जिला पार्षद बनी। साथ ही मनोज टाक फ्रेश ब्लड के नाम से एक सामाजिक संस्था चला रहे हैं। इस संस्था के जरिए उन्होंने करीब 2,500 युवाओं को जोड़ रखा है। आज किसी को भी रक्त की जरूरत होने पर ये युवाओं की टीम मौके पर पहुंचकर रक्तदान करती है। गौरतलब है कि मनोज चाकमाही युवा कांग्रेस में विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, फतेहाबाद जिला इंचार्ज, सिरसा जिला इंचार्ज की भूमिका निभा चुके हैं और अब युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का दायित्व निभा रहे हैं। अब अगर कांग्रेस इस युवा चेहरे को मैदान में उतारती है तो युवाओं को ये संदेश देने में कामयाब होगी कि कांग्रेस में आम साधारण घर के युवा को भी उनकी काबिलियत पर टिकट मिलती है, जिससे युवा कांग्रेस में जुड़ेंगे वह प्रदेश और देश की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के सियासी दांव पेच के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।